I'm to your right now. Right, you're right. Manjari, samur. Ekdam samur. You're right. Ekdam samur, ikade. You're right, ma'am. Manjari, samur. Samur, naa, bagitla. Manjari. One more, you're right. Manjari, left. Manjari, left. Left, ikade. Manjari, yes, done. Where? Manjari, yeah. Manjari, straight. Manjari, ikade, samur, ikade. मैम राइट में मंजिल जी ऊपर फर्स्ट फ्लोर मैम राइट अरे यार बस साथ में एक सर साथ में थोड़ा सेंटर मैडम सर रुपए मैडम बस सर सेंटर सर सेंटर सेंटर सर बस स्ट्रेट मंजिरी समोर एकदम समोर बस सर बोथ योर राइट हां समोर बोथ योर राइट सर अभी लेफ्ट में कॉर्नर पे लेफ्ट या कॉर्नर बस सर यहां पे सामने सर यहां पर बाबा आवाज आ रहा है पराग नीचे बैठना मुकुल जी सर सामने राइट में बोध सर सामने मुकुल सर ये रुपेश अरे फिर डिलीट किया मैं ऑल ऑफ यू प्लीज हां तेरे को उस दिन दिया नहीं बिल्कुल जी बाबा ऑल योर राइट साकास प्लीज अरे मंदिर नीचे अरे अपन बोलेंगे ना बाद में लेते सर सामने ए रुपेश मैडम समोर लेफ्ट से स्टार्ट करते लेफ्ट टू राइट हां लेफ्ट कॉर्नर से लेफ्ट कॉर्नर रुपेश ढोके तुझे हां मैडम समोर और करना ओके उपस कितना आगे जा रहा तू चार क्या कर रहा है मंजिल मंजिल सर मैडम समोर सर सामने आओ समोर या समोर 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 करेंगे सर अभी लेफ्ट समोर ऑल ऑफ यू सर राइट में थैंक यू आवाज भाई मुकुल भाई समोर थैंक यू थैंक यू रेडी सर सेंटर जल्दी आने का ना अरे बस सर सामने सर नीचे हाँ ले ले अरे बस सर ऊपर कभी नीचे अरबाज भाई हॉन्टिंग एट द सेम टाइम सो इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए मैं सुनकर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रदीप रंगवानी जी को बुलाना चाहूंगी सबसे पहले तो द कैप्टन ऑफ द शिप प्लीज आइए एंड हैव अ सीट Also, after Abbas Mastan, I think this is the first time कि हमें एक इतनी बेहतरीन डायरेक्टर जोड़ी मिल रही है जो एक बार फिर से यू ही थ्रिलर्स बनाने की सोचे हैं अलॉन्ग विद प्रदीप रंगवानी जी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुब्रतो पॉल ने कैन आई हैव यू ऑल्सो यर प्लीज नाउ द एवर सो हैंडसम एंड गुड लुकिंग अरबाज खान कैन आई हैव यू यर प्लीज कैन यू प्लीज ज्वाइन मी हियर like this for you every time I call you on stage and you come with the same smile all right this is the very beautiful Manjari Furness you look so hot in the trailer unparalleled beauty please come here and join me all right the hunk the hot hunk Ashmit Patel can we have you also please join me here the very beautiful and the very spunky Mehak Chahal please can I have you here and of course the very scary But still, so handsome and so hot. Mughal Dev, please, can we have you here? I think you are doing your part really well. That is how we always... I really hope. Yeah? I hope so, yeah. Achha, do you always look so pink or is this because you want to look scary? No, I guess I've just come from a shooting, so maybe. Or are you blushing looking at me? I have
Did you saw the obviously? We'll all sit together. Come on. Yeah. Come on. Come. Okay. Join. We're getting one more chair. So inviting Manisha Kelkar and Shilpa Kadam also to join me here. Yeah. Oh, lovely. Lovely. Chaliye, wonderful. I think to start with, अरबाज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप एक साथ एक तो सबसे पहले इतने लंबे समय के बाद आप एक्टिंग में फुल ऑन तरीके से आए हैं एकदम एक्शन पैक्ड लग रहा है आपका स्केड्यूल हमें विच इज़ फैबुलस बिकॉज वी लव टू सी यू ऑन स्क्रीन इज वेल लेकिन आप डायरेक्ट भी कर रहे हैं आप एक्ट भी कर रहे हैं इस फिल्म में क्या ऐसा हुआ था बीच बीच में कि आप कभी डायरेक्टिंग कभी एक्टिंग भी कर लेते थे कि नहीं सुनो अच्छा मैं भी थोड़ा सा बोलूँ क्या डजंट हैपन विद यू बिकॉज यू नो यू प्ले बोथ द रोल्स इन लाइफ First and foremost, thank you everyone for coming here. It's always very great to see you come to promote our film and you know give us all the support. Thank you so much. आपने जैसे कहा वो मेरा जो acting में हल्का सा जो gap था वो because 2010 से लेके I was like busy with my film Dabang, so I did two films back to back and I did another film Dolly Ki Doli. So that time I was a little busy and concentrating more as a producer behind the scenes. I took a bit of a gap now, so film work started trickling back in, and उस वजह से मैंने वापस से फिल्में करना शुरू कर दिया. Unfortunate, मुझे अभी भी काम मिलता है. I kind of lucky in that aspect, and so this was also one film that was offered to me. It was a great role, and a good plot, good subject, and we have a very interesting cast, and I'm so happy to work with all of them. As far as when I'm as an actor, I'm a very very obedient actor, and I'm like a completely submit to the director and I don't have a say as such. If ever I'm asked something, then of course I give my opinion, but I don't override the director ever. I think it's one man's vision and that's how it should be. Lovely. Manjari, आपसे भी जानना चाहेंगे इसके पहले हम जीना इसी का नाम है में भी मिले थे सो हम दोबारा मिल रहे हैं और ऑल्सो ये फिल्म आपकी है जब आप अरबाज के साथ में दोबारा काम कर रहे हैं सो एक कुछ कम्फर्ट जोन था क्या Four films. Yeah, so wow. I think Arbaaz and I have already done four films together, starting from Jaane Tu Ya Jaane Na. Oh, yes. Yeah, my introduction scene was with him and Sohail. And Jeena Isi ka naam hai, of course. So do you actually just sign the film agar aisa hota hai ki, achha, Arbaaz hai film mein, chalo, theek hai, film kar lete hai. He happened to be lucky for me in Jaane Tu Ya Jaane Na and Kis Kis Ko Pyar Karun. So, yeah. I had this feeling. So, and Nirdosh Aayi Toh. Out of three, I was. Not yeah, maybe two. The fourth one. Yeah, I hope this one too. So you love this. You love this chemistry that the two of you have now. Wonderful, wonderful. We are also waiting to see this, though it's going to be a different kind of a chemistry this time on screen. Acha, Ashmit and Mehak, I've been dying to ask you guys this question that how was it working together as a real life couple hote hue? Kaisa tha ye? Experience kaisa tha? यू नो ताजुब की बात ये है कि हमने एक सीन किया था साथ में जहाँ रोमांटिक सीन है और केमिस्ट्री काफ़ी होनी चाहिए थी. आवर डायरेक्टर केम टू अस एंड सेड आप दोनों के बीच केमिस्ट्री नहीं है क्या हो रहा है ये व्हाट दैट वाज माय रिएक्शन मेरा रिएक्शन यही था व्हाट आई सेड आप प्लीज हमें शॉट दिखाइए फिर मैंने शॉट अच्छा फिर सब कुछ हुआ मेरी अब ये सब कुछ मैं कौन से लूंगी मेरे ओपिनियन में कुछ अलग ही रीजन था वहाँ पे एक्चुअली सेट पे फायर ब्रिगेड नहीं था तो अगर हम एक्चुअली केमिस्ट्री लाते तो फिर वो बिल्डिंग जल जाती और बहुत नुकसान होता इससे आग तो आपके स्टेटमेंट ने लगा दी है अब यहाँ पर सुपर छप जाए लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि गाने में जो कोरियोग्राफर जी होते हैं वो हमेशा आपको बताते हैं आपको ऐसा करना है आपको सिर यहाँ रखना है तो जिंदगी में जब आप रियल लाइफ कपल होते हो तो आप कभी ऐसा सोचते नहीं हो तो जब आपको बताना पड़ता है कभी कभी वी नो वी आर एक्टर्स बट बिकॉज वी हैव दिस कनेक्शन तो थोड़ा सा मैकेनिकल हो गया था उसके बाद जब हमने स्क्रीन पे देखा तो वी वर लाइक नो यू नो कैन वी डू दिस वन मोर टाइम या ऑल्सो आई एम श्योर प्रोड्यूसर्स ने रिक्वेस्ट किया कि आपके घर में जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो वो फुटेज भेज दीजिए ओके इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी
सीधा डायरेक्टर से भी बात करना चाहूंगी. सुब्रतो, आपसे जानना चाहेंगे, दिस इज योर फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर. इसके पहले आपने काम बहुत किया है फिल्म इंडस्ट्री में. सो वीरप्पन से लेकर के निर्दोष तक आपकी ये जर्नी कैसी रही है, बताएंगे जरा इसके बारे में. कैन वी हैव द माइक हियर प्लीज. हेलो. वीरप्पन से लेकर यहाँ तक की जर्नी अच्छी रही. और ये जो फिल्म थी, जब मैं पॉल सर से मिला, प्रदीप सर से मिला, तो एज अ प्रोड्यूसर इनके पास स्क्रिप्ट इतना क्लियर था. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्रोड्यूसर, नो, ही हैज अ विजन ऑफ लाइक अ फिल्म मेकर आल्सो. तो हम लोग मिले और वीरप्पन का एडवांटेज ये था, जो ट्रीटमेंट जब इन्होंने स्क्रिप्ट सुनी थी, जो ट्रीटमेंट उनको चाहिए था, वॉज अ वेरी रियल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. तो उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा, हम दोनों सेम पेज पे आए, एंड देन थिंग्स स्टार्टेड. Wonderful. All the very best for this film. I think it's going to rock. Thank you so much. अच्छा, आपसे तो प्रदीप मैं यही पूछना चाहती हूँ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों रोल आप निभा रहे हैं, मतलब आपके पास तो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इस फिल्म में. ऐसा होता था क्या, एज अ डायरेक्टर यू नो क्रिएटिवली आप सोचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसी समय आपके अंदर का प्रोड्यूसर भी जाग जाता था कि नहीं, इसमें कॉस्ट बहुत लगेगा, कॉस्ट भी बचाना है. सो डिड दैट हैपन, वर यू जगलिंग बिटवीन द टू? ऐसा कुछ नहीं था. Should I ask the actors about it? Yeah, yeah, go ahead. Yeah, yeah. I have something to say. Say, go ahead. मेरे ओपिनियन में इनको प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के अलावा हीरो भी होना चाहिए था, इतने हैंडसम है. Oh, wonderful. नहीं, एक्चुअली नो, फिर मुझे निकाल दिया जाता फिल्म में से. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. जब भी क्रिएटिविटी पे आती है तो हम यही चाहते हैं कि प्रोडक्ट, वी आर वर्किंग फाइनली फॉर प्रोडक्ट. ये मेरे को बना के अपने घर पे नहीं दिखानी. तो जब भी लाइक जब मैं प्रोड्यूसर बनने का आता भी था ना, तो लाइक यू नो एक बार यूँ करता मैंने, नहीं मेरे को क्रिएटिविटी के अंदर था मैं, तो मैं कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहता था. आई डोंट वांटेड टू लाइक यू नो, काफ़ी जगह ऐसा होता है कि भाई छोटी छोटी जगह पर जब बोलते हैं ना कि भाई लोग यहाँ से मारा वहाँ से मारा पैसा बचाया, वो स्क्रीन पर दिखता है जी. आप कुछ भी कीजिए आपको स्क्रीन पर दिखता है. मैं वो नहीं चाहता था क्योंकि फाइनली आई एम सिंधी. इन्होंने मुझे कहा जा शॉपिंग करनी आप कीजिए. वाओ, किसने किया, किसने बोला था? इस सिंधी एंड इस फ्रॉम चाइना, तो सारा जो माल आया वो सब चाइना से है. नहीं, हम चाइना, बचत वही हुई है. नहीं, चाइना में भी हम प्रोडक्टिव माल ही बेचते हैं. चाइना और सिंधी क्या बनता है? चिंदी. नहीं नहीं, इधर बिल्कुल उल्टा था. और बिल्कुल उल्टा है. ये बिल्कुल आई एग्री, उल्टा था. टेक्नीशियंस भी यहीं पे हैं, आर्टिस्ट यहीं पे हैं. नो, आई थिंक कोई कंप्लेन नहीं. देखिए, मुझे लगता है अब फिल्म खत्म हो गई है, अब एक्टर्स ने आपकी बात मानना बंद कर दिया है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो इधर दिख रहा था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक सबकी मेहनत दिख रही है. थैंक यू सो मच फॉर दैट आंसर. बिफोर वी गेट इनटू द मीडिया क्वेश्चन एंड आंसर्स, मुकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यू नो हम आपकी इतनी सारी फिल्में जो पिछले कुछ समय से देखते आ रहे हैं, जो भी रोल्स हम देख रहे हैं वो सभी नेगेटिव रोल्स हैं, लेकिन हर एक एक रोल में आप कुछ ना कुछ डिफरेंट, कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करते हैं. वो एक क्या एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो आप इस रोल में देने वाले हैं, अगर आप रिवील कर सकते हैं तो कुछ? इस रोल में देखिए, ये ऑफ कोर्स इट इज़ अ नेगेटिव रोल, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें मैंने कोशिश की है, जितना वट एवर ब्रीफ आई कुड मेक आउट वाइल्ड रीडिंग द स्क्रिप्ट, वॉज दैट ही हैज़ इट ऑल. वाइफ बीटर, अल्कोहलिक, ही इज़ अ लेच, मतलब यू नेम इट एंड इज़ देयर इन हिम. Can I go stand there? I want to stand there. So, I try to. मैं कोशिश यही करता हूँ कि जब भी कोई रोल करूँ उसमें कहीं ना कहीं उसको अपने दिल से कहीं से उसका लॉजिक निकाल के करूँ. So I've tried to play this guy very real. You know, there's one more question जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपसे कभी कोई ये सवाल करता होगा तो गड़बड़ हो जाती होगी ना, कि आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो आपकी रियल लाइफ से कितना क्लोज है? बहुत बहुत करते हैं ऐसे सवाल, आते हैं मुझे. Yes. For that. Absolute gentleman and a true rock star. That's what Mukul Dev is. Oh. Wonderful. Wonderful. I think with this, let's open this forum for media question and answers. Can we have a mic rolling? Yeah. Arbaso? Yeah. We have a mic. You can keep. Okay. Good to see you in a very jolly good mood, you know. It's really good to see you. Always good to see you in a good mood. And I'm happy. I'm really happy. Everyone happy. You're in a very good mood. ट्रेलर इज लुकिंग एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, यू नो. और लोखंडे का जो किरदार आप निभा रहे हैं, डू यू एग्री विद दिस, कि एक वो फेस है आपकी लाइफ का, यू नो, कैरियर का, कि अपनी मर्जी से फिल्में चुन रहे हैं कि ये मुझे करना है और ये नहीं करना है. इन लोखंडे, यू नो, प्लेइंग लोखंडे, लुकिंग
absolutely mind blowing, you know. Do you agree you have that phase in your life, in your career, you're choosing the film according to your choice? Recently we have seen you in Tera Intezar, where you have seen you as a lover, you know. Now Lokhande. I'm like more open now to do interesting work. Let's just put it that way. You know, I don't make a conscious effort whether it's got to be one film, two films, or three films. If there's space for me to do a particular film, and if I like the character, I like the people that I'm working with, because a film is a very long association. You know, from the time you start, you know, working on a film till the time it releases, it's generally about a year. And I've come to a stage where it's extremely important for me. The journey has got to be important, and I make that quick assessment for that. Ye log hain, kaise hain, inke saath kaam karne mein kaisa lagega. I'm more often than not right in that assessment, that I enjoy my work with the people that I work with. And that's how I take it, you know. Film chalegi, nahi chalegi, wo hum koi nahi janta. Am I going to enjoy playing that particular character? And will I be able to contribute? That's all they look at, you know. And so I'm enjoying, this phase of my life, yeah. Okay, Arbaaz, ek sawal aur aapse puchna chahunga. Though you're a director, you're a filmmaker, you're a producer, you're an actor, you understand cinema very well, you know. Do you agree with this? You know, choosing the casting plays a very important part, and choosing Ashmit and Mahak together going to help the film? Yeah, for sure. You know, my father always said that, you know, half the job is done when you cast right, because your performance becomes easy. When you try to look a character that you're not, it is a big effort. So it's always very important to get somebody in a particular role where where they fit the bill. Otherwise, it's a big effort for the writer, the director, even for the actor. So that's why people tend to get typecast in certain ways, because people accept them because of their personalities or the roles that they do. So casting for the right reasons and the right things are very, very important. They suited the bill when they were casting for this film, and they needed a couple like them in the film, and they just got they lucked out by having them in this movie. So I guess they're perfectly cast in our movie. And and so is everybody else here. When you look at the film, you'll see that each person who's playing the roles looks pretty much apt for the roles that they're playing. Like you mentioned Lokhande, I genuinely, you know, there, when I also do films, I know, okay, fine, this role I did, oh, it worked well for me. I had to make an effort in this film. Some roles I just slip into pretty easy. For me, this role, I felt that I was pretty much, you know, I could sink my teeth into it. Like, that's the kind of character that I could, like, enjoy working, even I could carry it well, and, you know, perform it well also. So I'm pretty happy with this film and this character that I played. Okay, Ashmit, how happy you are? You know, are you sending the CCTV footage to Arbaaz as he asked for? Arbaaz bhai is family. He's more than welcome to come home anytime and watch it live. Goodness. What? This is good. This is good one. Mac, what's your take on that? Mac, what's your take on that? मैं थोड़ा हिल गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. खत्म तो करने दो. Mac is shocked. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है जो हिलने लायक है. हम शादीशुदा नहीं हैं अभी. But you know, your chemistry looks absolutely mind blowing. You know, Mac and Ashmit. Do you think it's going to help the film? So Ashmit and Mac, are you done? Sorry, what is your question? The chemistry looks absolutely mind blowing. You know, do you think your chemistry, your you know, you together look stunning in the film? It's going to help the film. Reason, you are the one who get the hotness in the film. I'm the hotness. Yeah. He's hot. The chemistry is good because their physics also for is me, good. Hot. Being hot is actually more personality than how you look. So it's a compliment. So thank you so much. Thank you. But I got a very good compliment from Sir over here after he saw the movie. You're talking about him, not Sir here. No, this one. My favorite. This one. तो जब आप मूवी देखेंगे तो जो हमारे डायलॉग डिलीवरीज एक्टिंग है उसमें भी आपको बहुत मजा आएगा. मैक, यू वर्क विद सलमान, यू नो यू वर्किंग विद अरबाज आल्सो, हु इज अ बेटर इन एक्शन, यू नो, दो बोथ द फिल्म्स रिलेटेड टू एक्शंस. एक्शन, यस, हु इज गुड इन एक्शन, अरबाज भाई और सलमान सर? सर आप ये कैसे पूछ सकते हैं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. यू वर्क विद देम ना? आई वर्क विद बोथ ऑफ देम, बट एवरी एक्टर इज गुड इन हिज ओन वे. No, no, like he's not meaning action. He's meaning like when he's working. Action as in fighting ki scenes ki baat kar raha hu. Nahi, he's not had any action scenes with me in this movie. And whenever he's had any action,
scenes in this movie, I was not there. And the movie that I did with Mr. Khan, that's a very different action movie, which was Wanted. Wo bahut zyada action tha usme. This film is not mainly about action. It's a, you know, a murder mystery. So the subjects are completely different. To Manjari. Manjari, ekdam de-glamorized role hai, you know, jab aap aate hain screen pe bilkul without makeup lag rahe hain. Wo kitna mushkil hai, aasan tha aur kya brief tha, you know, director ka, the moment he was your approach to do this role. So I really enjoyed hearing the entire narration. Mujhe bada maza aaya tha. I was like, should I have to do this? It was very exciting for me. And about no makeup and all, it was very easy. I was very happy. I hate sitting in one place for more than, like, you know, 5 minutes, and then I didn't have to do makeup or anything. So I was super, super comfortable. You having more scene with Arbaaz, what you have learned from him? He's a very professional person. what to do and not like yeah. Oh God, what is happening? Continue, we're enjoying it. तो आप ही हो गए और कोई है भी कि नहीं? अरे यही क्वेश्चन अभी पूछा था. आप बाकी के सब जाओ नाश्ता करो. Opposing वकील का है. इनको यहाँ मेहनत करने दो. हम कचहरी में खड़े हैं. हमारे वकील का है. होता है एक ही आदमी 50 लोगों में सवाल पूछता है. ये मैंने बार बार देखा है. आई वंडर व्हाई. नहीं आप थोड़ा सा माइक किसी और को दे दो. नहीं सब दूसरे का सम्मान करते हैं ना. कोई पूछा दूसरा पूछता है चलो आप ही पूछ लो बोलते हैं इस तरह से. मंदरी आई होप यू आर कंप्लीटिंग इट. आई थिंक आई प्रीटी मच कंप्लीटेड इट. आई वाज लुक एट हर स्किन शी डजंट नीड मेकअप. हेलो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ. हमने दो शेड्यूल में किया था. एक में इनका जेल का रोने का सीन था. एक में इनका गाना और ग्लैमरस सीन था. जिस दिन जेल का सीन खत्म हुआ तो मंजर का रिएक्शन था ये मेरे रोने का सीन खत्म अब. नो आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई वाज टायर्ड ऑफ पुटिंग ग्लिसरिन ऑल ओवर ऑल द टाइम इन माय आईज मैन. इट वाज लाइक रियली टफ. पॉल किस रियल स्टोरी किसी रियल स्टोरी से इंस्पायर है क्या फिल्म? अगर है तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? देखो इस फिल्म में अगर गड़बड़ हो गई ना तो ये हम लोग सात सस्पेक्ट्स हो जाएंगे. इनमें से कोई मर्डर करने वाले किसी एक का. फिर हमको नहीं मालूम फिर किसने किया. नहीं ये किसी रियल लाइफ स्टोरी से नहीं है. ये फिक्शन स्टोरी है. फिक्शन मर्डर मिस्ट्री. ओके कैन वी पास द माइक नाउ. समोसा ठंडा हो रहा है भाई. चलो हेलो अरबाज इधर न्यू पर्सन. थैंक यू. पहले खड़े हो जाओ आप. पहले पब्लिक को बताओ कि आपकी शक्ल क्या. वाह वाह अरबाज. वो कहते हैं आज इमेज नहीं है. इमेज वगैरह का कोई महत्व नहीं है. लेकिन अगर अरबाज को देखे तो इमेज है. जब भी अरबाज पुलिस ऑफिसर या कहाँ से देख लो आपको कितनी भी फिल्में देख लो जब आता है तो लोगों को इतना पसंद आ जाता है कि रियल इंस्पेक्टर है रियल ऑफिसर है जैसे इसमें है. तो इमेज को लेकर आपका क्या कहना. आपने और भी रोल की. नहीं मैंने तो यही कहा कि जनरली लोग जो है ना एक इमेज में होते हैं एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग. वर्ल्ड वाइड यू नो सम यू सी एक्टर्स दे फिट इन अ सर्टेन काइंड ऑफ अ मोल्ड एंड दैट हैपेंस बिकॉज उनकी एक्सेप्टेबिलिटी उनकी पर्सनैलिटी उनके रोल्स होते हैं. बिकॉज चाहे कितना भी लोग मानने आई डोंट कम्प्लीटली एग्री दैट एन एक्टर इज कम्प्लीटली वर्सेटाइल कि कुछ भी रोल कर सकता है. यू नो व्हेन यू आई एम जस्ट सेइंग फॉर इंस्टेंस लाइक अभी आप एक फिल्म बना रहे हो तार्जन. ठीक है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं. बच्चन साहब भी अच्छे एक्टर है फॉर इंस्टेंस. बट आप हेमंत बिरजे को ही लोगे तार्जन के लिए. ठीक है ना क्योंकि एक इमेज होती है एक रोल होता है. सो एवरीबडी हैज टू फिट द रोल एंड लुक द कैरेक्टर एंड समटाइम्स यू डोंट नेसेसरली हैव टू बी अ वेरी वेरी गुड एक्टर ऑल्सो टू बी प्लेइंग अ पर्टिकुलर पार्ट. सो यू डू गेट टाइप यू गेट स्लॉटेड एंड यू हैव अ इमेज एंड यू हैव अ मोल्ड बट यू हैव टू वेरिएट इन दैट मोल्ड एंड स्लोली स्लोली यू कैन चेंज. People have started as negative actors and they've become what you call, they've done comedy and they've done you know, negative issues. Hota hai. But bahut kam aise actors hain jo bahut bada 360 turn maar sakte hain. Otherwise, they tend to be in a particular mold and they be successful in that mold only. So where you're coming from is like, mere saath jo thoda sa जो इमेज है पर्सनैलिटी है इस किस्म के रोल्स जो हैं पुलिस वाले के ये गैंगस्टर हुआ या कोई नेगेटिव रोल्स जैसे थोड़े से ग्रे शेड्स वाले और मे बी सम काइंड ऑफ दोस काइंड ऑफ रोल्स व्हिच आई हैव डन इन द पास्ट टेंड टू सूट मी अ लिटिल मोर. या
Not the completely romantic. I try भी किया था भी सनी लियोनी के साथ try भी किया था. But वो नहीं accept हुआ इतना जो which is okay. But it's not as though as an actor I don't want to try. I don't want to experiment. I don't know what will work. But there is a certain that people accept certain actors in a certain role and they don't in a certain role. अच्छा मुकुल देव के लिए सवाल है. मुकुल देव के बारे में आप ही शुरू में कुछ बोला था लेकिन मुकुल की बात है तो शुरू से जो मुकुल को जानते हैं उन्हें पता है बेहद शरीफ आदमी है लेकिन बाद में नेगेटिव रोल चुकी है आपने तो ये क्या रीजन है जो बहुत शरीफ होता है वो बहुत बढ़िया नेगेटिव करता है. जी एक्चुअली जो मैंने अपने करियर की शुरुआत में रोल्स किए थे आई डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा सा बोर हो गया था. मैं द बॉय नेक्स्ट डोर स्वीट फेलो हस्बैंड वो सब तो उसके बाद मैंने टेलीविजन सीरियल्स भी किए उसमें भी ऐसे ही रोल करने को मिले. तो जब मैंने नेगेटिव रोल करने शुरू किए तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ एन एडिक्शन. बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आप बहुत कुछ कर सकते हो इस दायरे में. देयर नो बाउंड्रीज उतनी बाउंड्रीज नहीं होती जितनी एक अच्छे आदमी की होती है. तो अलग अलग डायलॉग्स यूज़ कर सकते हैं टोन्स पकड़ सकते हैं. यू कैन जस्ट यू नो गो क्रेजी यू कैन गो मेंटल और अ कैरेक्टर हु इज़ बैड अगर ख़राब दिखाना ही है तो फिर उसकी कोई हद नहीं होती है कुछ भी कर सकते हैं आप उसमें तो वो फ्रीडम होता है. तो एज एन एक्टर अच्छा लगता है इट्स सैटिस्फाइंग समटाइम्स. थैंक यू. Any more questions? Okay, we have one more. Hi, this is Sakshma from Mirror Now. I wanted to ask you, we've had a lot of thrillers in the past. Bollywood has had some great thrillers, but this is a suspect thriller. What does that really mean? How is this different from an ordinary thriller in terms of a movie? The director would like to answer. See, ये movie में ना एवरी कैरेक्टर एनी कैरेक्टर जो इंट्रोड्यूस हुआ है ही इज अ सस्पेक्ट. इवन कॉप इज ऑल्सो सस्पेक्ट. एवरी वन इन द मूवी इज अ सस्पेक्ट. इवन द कॉप अरबाज भाई भी इसमें जो कि इंट्रोग्रेशन ले रहे हैं ही इज ऑल्सो सस्पेक्ट. वेन यू वॉच यू विल आपको फ्रॉम द बिगनिंग यू विल नो लाइक येस दिस इज समथिंग डिफरेंट. हर मूवी में क्या होता है ना एक आदमी को हिंट मिलती जाती है. एंड वेन वी आर सेटिंग थ्रिलर्स वी ऑलवेज गैसिंग कि भाई ये हो सकता है और थोड़ा बहुत वो होता जाता है. बट इधर टोटली डिफरेंट है. आप जो सोचते हो वो होता नहीं है. एंड इसमें सस्पेक्ट थ्रिलर इसीलिए है क्योंकि एक आदमी भी नहीं छूटा है सब सस्पेक्टेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस. आई थिंक 12 जनवरी को पता चल ही जाएगा कि कैसे ये इंडिया की फर्स्ट सस्पेक्ट थ्रिलर है एंड हाउ इज इट डिफरेंट. वी हैव वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम द जेंटलमैन. I think we'll avoid that question. Let them answer, na. Let them say no comment or something like that. I can get my story out of it. Sir, what you have to say? Manjari, being a female, being an actress, being a part of this industry, even to Mehak also, you know, what happened with Zaira Wasim during while flying, you know, what's your take on that? I'm really sorry, but I have not been watching news recently because I've been very busy with my rehearsals, so I won't be able to answer that. Main aapko batau? प्लीज जब वो सफर कर रही थी उन्हें पीछे से बहुत परेशान करा गया. उनके उनके उनको पैर लगाए गए हाथ से उनको टच करा गया और वो फ्लाई करते रहे लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं. बाद में आके शी कंप्लेंट अबाउट इट. यू नो शी वाज अलोन ट्रैवलिंग यू नो. तो बीइंग एन फीमेल एंड हाउ सेफ यू डू यू थिंक द फीमेल इवन व्हाइल ट्रैवलिंग इन अ प्लेन यू नो यू गेट यस. No, it's really unfortunate that all these things still, like, you know, happen so much and people really need to talk about it. Unfortunately, what happens is half the times when somebody is going through something like this, they keep quiet. I think girls should speak up and, you know, yeah, I think they should speak up. Because the moment you, like, actually go out there and give it back to them, then they get scared. Because otherwise, half the time, guys keep thinking, ki, acha, we'll do it. You know, nikal jayega. They will not answer back. So you need to stand up for yourself. Actually, I agree very much with what she's saying. The only thing is, you said how safe it is for me. So I'm talking about my personal experiences. As a person, I speak up always. And I've noticed whenever there's been a problem and I reach out to other people, and especially in India, people are very helpful. Lekin sabki personality hamesha ek jaise nahi hoti hai. Kai baar aise ladkiyan hoti hai, unki umar kam hoti hai, wo dar jati hai. You know, she's
just had two movies. Everybody's eye is on her. तो कई बार इंसान डर जाता है but a lot of things sometimes it helps maybe you are not so familiar with another man but if there is possible to talk to another woman next to you if it's possible and you can do that maybe that woman can help you so obviously again I would say stand up yes but always ask for help because there's always somebody out there who's going to help you and there's never a no from anybody if you really say I'm help now why she reacted the way she reacted after that I really have no comments on Thank you so much for the questions. Let's have a quick photo of yes. Excuse me, one minute. मेरे को आप सबसे क्वेश्चन है. आपने ट्रेलर देखा? आपको क्या लगा इसमें? Means sorry यार मेरा एक क्वेश्चन है एक सेकंड. मेरे को आपने बहुत लाइक ट्राई किया क्वेश्चन पूछने का एक या दो तीन जने ही थे. मेरे को लगा काफी क्वेश्चंस आएंगे. अभी मैं पूछना चाहता हूँ सबसे. आपको क्या देखा इस ट्रेलर में? और दूसरा आदमी सस्पेक्ट लग रहा है और क्या सर सस्पेक्ट किस चीज के लिए किसका मर्डर हुआ है महक थैंक यू बोलना चाहता हूं थैंक यू वेरी मच थैंक यू आई एम विना थैंक यू Wow, that was lovely. I think that was unexpected for the media also. Thank you so much. Let's have some quick pictures. And I would like to remind all of you that 12th of January is the date jab kaun hai innocent aur kaun Thank you.